हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा जो HTML का प्लेलिस्ट है वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, और उसके ख़त्म होने के बाद कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर, आपका HTML जो प्लेलिस्ट है वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन आपने CSS स्टार्ट नहीं किया, ना ही JavaScript को स्टार्ट किया। तो इसलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं CSS, और ये बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली होगा। आप अगर वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीख रहे हो और HTML फिनिश कर लिया है, तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ HTML आप इस वीडियो को यहाँ से देखना स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे बिल्कुल हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक से कि क्यों हमें CSS सीखनी चाहिए। तो अगर आप HTML फिनिश कर चुके होंगे तो आपने HTML के अंदर में पेज बनाना सीख लिया होगा। तो सपोज करो कि ये आपका एक पेज है, और इस पेज के अंदर में आपने बहुत सारे HTML का टैग यूज करके रखा है। सपोज करो कि यहाँ पे आपका नैव बार है, और उसके अंदर में यहाँ पे आपका कोई हेडर है, उसके बाद कुछ डिवीजन है, एंड सो ऑन, राइट। तो इस तरह से आपने बहुत सारे ब्लॉक्स बना करके रख लिया है। तो HTML में आपने देखा होगा कि यहाँ पे कोई भी डिज़ाइनिंग आपको नहीं मिलेगा। बहुत सारे जो कलर होते हैं, बैकग्राउंड कलर होते हैं, या फिर जो उसका प्लेस अरेंजमेंट करना होता है, ये सब आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि HTML के अंदर में जितनी भी एलिमेंट आपको मिलते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका रेक्टेंगुलर शेप में ही मिलता है। लेकिन उसके कलर, लुक एंड फील, ये सब चीज़ें कंट्रोल आप HTML से नहीं कर पाओगे। अगर कर भी पाते हो तो बहुत लिमिटेड होता है वहाँ पे। और उसी को ब्यूटीफाई करने के लिए हम लोग यूज करते हैं CSS का। अब सपोज करो कि अगर आप मार्केट में जाते हो और कोई मूर्ति बनते हुए देखे होगे, अगर आप मूर्ति बनते हुए देखे होगे तो उसके अंदर में क्या होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट में आपको एक स्केलेटन तैयार होता हुआ दिखेगा, लेकिन वो स्केलेटन दिखने में अच्छा नहीं होता है। अगर उस मूर्ति को अच्छा बनाना है तो उसके ऊपर क्या होता है कि मिट्टी का लेप लगाते हैं, उसके बाद उसके अंदर में हम लोग शेप डालते हैं, कलर्स डालते हैं, डिज़ाइंस डालते हैं, कैसे हमको कलर डालना है, किस पोजिशन पर कितना कलर मिक्स करना है, और उसके बाद जो मूर्ति बन करके तैयार होता है ना, वो बिल्कुल दिखने में अच्छा लगता है। तो सेम काम यहाँ पे आपका CSS का भी है कि अगर आप किसी पेज को बहुत ही सुंदर बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको CSS की ज़रूरत पड़ने वाली है। दूसरी चीज़ है कि आजकल आप सुनते होंगे कि हम लोगों का जो पेज होता है वो रिस्पॉन्सिव पेज होता है। अब जो रिस्पॉन्सिव पेज होता है उसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप मोबाइल पर खोलोगे तो उसके अकॉर्डिंगली, आपको डिवाइस के अकॉर्डिंगली आपको पेज दिखेगा, और अगर आप इसे डेस्कटॉप पे खोलते हो तो डेस्कटॉप के अकॉर्डिंगली दिखेगा। और आजकल तो टीवी भी सपोर्ट करता है, तो आपको टीवी के ऊपर में अगर देखना है किसी पेज को ओपन करके तो टीवी के हिसाब से दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि CSS के पास बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जिसके थ्रू हम अपने वेबसाइट के लुक एंड फील को मैनेज कर पाएंगे, राइट। सो चलो, ये सब चीज़ें तो हो गई हमारी बैकग्राउंड की। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे CSS के ऊपर में, और CSS के बारे में थोड़ा समझते हैं। जो कैस्केडिंग स्टाइल शीट है, और उसके थ्रू हम लोग HTML में कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो HTML के अंदर में देखते होंगे कि हम लोग हर टैग के साथ, सपोज करो कि आप एक डिव बनाते हो, तो डिव के अंदर में आपको एक मिलता है एट्रीब्यूट, राइट। तो यहाँ पे हम लोग नेम भी डाल सकते थे, आईडी डाल सकते थे, बहुत सारे एट्रीब्यूट मिला। उसके अंदर में एक और एट्रीब्यूट होता है स्टाइल, और स्टाइल करने के बाद यहाँ पे आप डायरेक्टली इम्बीट कर सकते हो अपने CSS के स्टाइल को, राइट। तो CSS लिखने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं। अब यहाँ जो हम लोग लिखा ना स्टाइल, और स्टाइल के अंदर में हम लोग जो CSS का प्रॉपर्टीज डिजाइन करेंगे, उस स्टाइल को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इनलाइन CSS। और दूसरी जो होती है कि CSS को हम लोग इस टैग के साथ इम्बीट नहीं करेंगे, बल्कि इस टैग से हम लोग सेपरेट रखेंगे, तो लेकिन रखेंगे HTML पेज के अंदर में ही, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल CSS। और तीसरा और लास्ट जो प्रोसेस होता है कि उसमें हम लोग क्या करते हैं कि HTML के पेज को अलग रखेंगे और CSS को एक सेपरेट फाइल के अंदर रखेंगे, और फिर दोनों के बीच में हम लोग कनेक्शन इस्टेब्लिश कर देंगे। तो देखो, यहाँ पे जो CSS है वो हमारे HTML के अंदर में नहीं है, वो बाहर है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं एक्सटर्नल CSS। सो थर्ड वन इज द एक्सटर्नल CSS। अब देखो, जितने भी तरह का हमारे पास CSS है, सभी CSS के अंदर में जो प्रॉपर्टीज होंगे वो सेम ही होगा। ऐसा मत सोचना कि हमारा इनलाइन के अंदर में जो CSS का प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टीज होगा वो इंटरनल से सेपरेट होगा, अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सभी के अंदर में हमको CSS ही लिखना है, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, राइट? अब देखो यहाँ पे जो हम लोग को CSS लिखना है उसका पैटर्न क्या होगा और कैसे हम लोग CSS को लिखेंगे, तो उसके जनरल पैटर्न को पहले समझते हैं कि जब कभी आप CSS लिखोगे तो पहले आपको क्या बताना है उसका, तो CSS प्रॉपर्टी का नाम एंड कोलोन करके उसकी वैल्यू को डालना है। सपोज करो कि आपको कलर चेंज करना है, तो CSS प्रॉपर्टीज कौन सा होगा जिसके थ्रू हम लोग टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं, तो वो प्रॉपर्टीज आपको सीखना पड़ेगा। और CSS के अंदर में बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, तो नॉर्मली होता क्या है कि स्टूडेंट्स लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि चलो CSS में इतने सारे प्रॉपर्टीज है, कौन पढ़ेगा, कौन याद करेगा। ऐसा कुछ नहीं है, जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो जरूरत के हिसाब से आपको वो प्रॉपर्टीज ध्यान में आ जाएगा। और साथ में डॉक्यूमेंटेशन तो है ही, नेट पे जाकर के आप डॉक्यूमेंटेशन पे देख लो और जरूरत के हिसाब से आपने न्यू प्रॉपर्टीज को ऐड कर लो, राइट? तो इतना सिंपल है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। तो स्टार्टिंग में आपको हो सकता है कि CSS थोड़ा टफ लगे, टफ इन द सेंस कि इसमें प्रॉपर्टीज केवल याद रखना है, लॉजिक तो कुछ विशेष है नहीं कि इसके अंदर में कोई लूपिंग लिखना हो या फिर कोई एरे डिफाइन करना हो या फिर स्ट्रक्चर पॉइंटर्स, ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ होने वाला है। केवल बस यही दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि CSS के प्रॉपर्टीज का नाम क्या है और उसका वैल्यू कौन कौन से हो सकते हैं। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे देखो हम लोग अगर CSS के अंदर में लिखते हैं कि डिवीजन बनाया और इस डिवीजन के अंदर में मुझे कुछ स्टाइल सेट करने हैं, तो स्टाइल लिख करके और डबल कोट्स के अंदर में प्रॉपर्टीज एंड वैल्यू का पेयर लिख देना है। सो लेट्स कम टू आवर VS कोड एंड क्रिएट अ न्यू फाइल, और उस फाइल के अंदर में हम लोग पैरेलली इंप्लीमेंट करेंगे HTML और CSS को और साथ में उसका रिजल्ट भी देखते चलते हैं, तो आपको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। सो लेट्स कम टू आवर टर्मिनल, और यहाँ पे हम एक सेपरेट फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और फोल्डर का नाम रख लेते हैं यहाँ पे MD एंड देन CSS ट्यूटोरियल एंड देन कम टू CSS ट्यूटोरियल, और यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं कोड के अंदर। ऑलराइट, और इसको क्लोज कर देते हैं, हमारा वेलकम विंडो भी क्लोज कर लेते हैं, और यहाँ से हम एक सेपरेट फोल्डर क्रिएट करते हैं सेशन वाइज, सो दैट मैं आपको इसका सोर्स कोड भी अवेलेबल करा सकूँ। तो यहाँ पे हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं और इसका नाम रख लेते हैं हम लोग Session 1, और इस सेशन के अंदर में एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं और फाइल रख लेते हैं हम लोग index.html। अब यहाँ पे एक स्केलेटन हम लोग ले आते हैं पहले से जो बॉयलर प्लेट मिला हुआ HTML का, तो आप डायरेक्टली एक्सक्लामेशन साइन डाल करके इंटर कर दो, आपको ये बॉयलर प्लेट कोड मिल जाएगा। ऑलराइट, और यहाँ से आपको तो मालूम होगा कि हमारे पास एक लाइव सर्वर है, अगर आपके पास लाइव सर्वर नहीं है यहाँ पे आपको मिलेगा एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन के अंदर में टाइप कर लेना लाइव सर्वर, तो यहाँ पे मेरे पास लाइव सर्वर ऑलरेडी इंस्टॉल है। अगर आप नहीं इंस्टॉल किए हो तो यहाँ पे इंस्टॉल ऑप्शन आएगा, आप यहाँ से इंस्टॉल कर लेना, ये आपको हेल्प करेगा कि डायनेमिकली जैसे जैसे आप चेंज करोगे उसका इमीडिएटली सेव करने के बाद में इफेक्ट भी मिल जाएगा, तो बार बार आपको पेज को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब यहाँ देखो हमने बनाया H1, और H1 के अंदर में लिखते हैं कि वेलकम टू CSS सेशन, और इसको मैंने सेव किया, और यहाँ से हम लोग ओपन कर लेते हैं लाइव सर्वर। सो यहाँ पे हमें मिल गया रिजल्ट वेलकम CSS सेशन, अब वेलकम टू लिख दो, वेलकम टू CSS सेशन, वेरी गुड, और इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं ताकि आपको साइड बाई साइड में दिखा पाऊँ, और यहाँ से इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ऑलराइट, सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, जूम करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं आई थिंक, तो ये आपको क्लियरली विजिबल होगा। इसको थोड़ा कोड को हम लोग बड़ा कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग चलते हैं अपने इरेजर के ऊपर में जहाँ नोट्स हम लोग बात कर रहे थे, तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं यहाँ पे कि कलर प्रॉपर्टीज के बारे में कि कलर हम लोग कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमने बताया था कि जो सिंटेक्स है वो कैसे लिखना है, तो CSS का प्रॉपर्टी नेम बताना है, तो प्रॉपर्टीज का नेम हो जाएगा कलर, और उसका जो वैल्यू होगा ना वो आप वैल्यू यहाँ पे कुछ भी डाल दो,
जैसे आप अगर चाहते हो रेड रखना है, या फिर चाहते हो कि मुझे ग्रीन रखना है, राइट, और या फिर चाहते हो कि मुझे ब्लू रखना है, तो यहाँ पे जो भी कलर रखना चाहते हो आप डाल दो, राइट। तो सबसे पहले सिंपल तरीका, हम लोग चाहते हैं यहाँ पे कि मुझे ब्लू रखना है। फिर हम लोग देखेंगे कि कलर कोड कितने तरीके से लिख सकते हैं और कलर कोड कैसे बनाते हैं, उसका रूल क्या है। तो सबसे पहले सिंपल तरीका अपनाते हैं हम लोग कि कलर और करते हैं ब्लू। अब ब्लू कलर करने के लिए देखो, ये रूल तो हमको समझ में आ गया, सिंटेक्स आपको यहाँ पे मालूम है कि कोई भी टैग के साथ साथ आप स्टाइल प्रॉपर्टीज को यूज करो, और स्टाइल के अंदर में ये कोड आपको लिखना है CSS वाला। तो चलते हैं यहाँ VS कोड के अंदर में, हमारे पास है H1 टैग और इसे मिनिमाइज करते हैं। H1 टैग का कलर हम लोग चाहते हैं ब्लू कर ले। तो देखो यहाँ पे आपको लिखना है स्टाइल और स्टाइल देकर के डबल कोट्स, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कलर। अब देखो आपको सजेशंस भी मिल जाएगा, कलर और कलर मुझे रखना है ब्लू, और सेव करो। देखो यहाँ पे सेव करते ही हमको ब्लू कलर मिल गया। अब ये जो इमीडिएटली रिफ्रेश हो गया ना पेज, वो किसके कारण हुआ? लाइव सर्वर के कारण। अगर आप लाइव सर्वर से रन नहीं करोगे तो क्या होगा, आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। देखो लाइव सर्वर का पोर्ट नंबर 5500 हमें यहाँ पे मिल गया। अब एक चीज़ तो हम लोगों ने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लिया कि ब्लू कलर होगा। अब इसके साथ साथ आप चाहते हो कि बैकग्राउंड का कलर भी मुझे ऐड करना है, तो बैकग्राउंड का कलर ऐड करना है और फोरग्राउंड भी कलर ऐड करना है, दोनों साथ में रखना है, तब हम लोग क्या करेंगे। तो फिर से हम लोग रूल पहले समझ लेते हैं यहाँ पे कि अगर आपको एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज ऐड करने हैं तो सबसे पहले क्या करोगे कि आप जो प्रॉपर्टी नेम है ना, उस प्रॉपर्टी नेम को डाल दो, फिर यहाँ पे उसका एक वैल्यू डाल दो। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फर्स्ट वैल्यू, जो भी आप प्रॉपर्टीज डाले हो उसका रिलेटेड वैल्यू, एंड देन पुट द सेमी कॉलन, एंड अगेन यू राइट डाउन हियर द प्रॉपर्टीज नेम एंड देन अनदर वैल्यू। तो दूसरा जो प्रॉपर्टीज होगा उसका वैल्यू यहाँ पे डाल दो, पहला जो प्रॉपर्टीज है उसका वैल्यू यहाँ पे डाल दो, और दोनों प्रॉपर्टीज को सेपरेट करने के लिए यूज करना है सेमी कॉलन, राइट। वेरी गुड। तो अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे और चेंज करते हैं कि हमारा बैकग्राउंड का कलर कैसा होगा। तो इसे मिनिमाइज करते हैं और यहाँ पे देख लो सेमी कॉलन दे देते हैं और डायरेक्ट लिखते हैं बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पे लिख दिया बैकग्राउंड कलर। अब देखो यहाँ पे एक चीज आपको मैं बताता हूँ कि जब कभी भी आपको दो वर्ड का नाम मिले CSS के अंदर में ना, तो उसके बीच में आप हाइफन देना, अंडरस्कोर नहीं देना है, हाइफन मतलब माइनस वाला साइन देना है आपको। तो बैकग्राउंड एंड कलर, कोई कैपिटल स्मॉल का टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ स्मॉल में ही लिखना है, एंड देन कोलोन, और कलर कैसा रखना है बैकग्राउंड का, तो आप यहाँ पे दे दो पर्पल। तो यहाँ पे सेव कर लिया पर्पल कलर, राइट। तो आप देख रहे होंगे कि कलर मेरा चेंज हो गया बैकग्राउंड का। और अगर आप फॉन्ट भी चेंज करना चाहते हो तो आप फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट साइज वगैरह भी चेंज कर सकते हो। तो आप यहाँ पे अगर फॉन्ट को चेंज करना चाहो तो फिर सेमी कॉलन लगा दो यहाँ पे, और उसके बाद में हम लोग कर लेते हैं फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज कितना रखना है। तो देखो बहुत ही मीनिंगफुल है, नेम यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली मीनिंग दिखाता है कि फॉन्ट साइज चेंज करना है तो आप फॉन्ट हाइफन साइज लिख दो, और यहाँ पे आप इसका साइज पिक्सल में दे सकते हो तो PX दे दो। अगर आप चाहते हो कि दूसरा यूनिट यूज करें, रेम यूज करें या फिर EM यूज करें, तो वो भी आप यूज कर सकते हो, डिफरेंट यूनिट्स है यहाँ पे। तो नॉर्मली हम लोग जो यूज करते हैं ना PX यूज करते हैं फॉर पिक्सल। तो यहाँ पे देखो इसका साइज हो गया 20, और अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि मुझे 50 साइज चाहिए, देन इट बिकम्स 50। वेरी गुड। अब थोड़ा सा हम लोग कलर कोड की बात कर लेते हैं। कलर कोड करने के लिए यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर में और यहाँ समझते हैं कलर कोड। कलर कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, हेक्साडेसिमल कोड आपको समझना है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं डालता हूँ कि कलर कोड कैसे लिखना है, तो आपको समझना है एक नॉर्मल तरीका RGB, और दूसरा तरीका है कि आप RR GG एंड BB, यानी 6 डिजिट का आप नंबर लिख सकते हो, या फिर चाहो तो 3 डिजिट का नंबर लिख सकते हो। और दूसरा चीज ध्यान रखना है कि जो भी कलर कोड लिखोगे उसके आगे आपको हैश साइन देना है, तो यहाँ पे भी आप हैश दे देना। और अब ये क्या है RGB, तो रेड ग्रीन और ब्लू है। तो रेड ग्रीन और ब्लू जो है वो एक हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंट करने के लिए आपको हेक्साडेसिमल नंबर पता होना चाहिए। तो हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है कि हेक्सा मतलब 6, डेसिमल मतलब 10, टोटल 16 नंबर्स होंगे
कहाँ से? तो 0, 1, 2, 3 और यहाँ से लेकर 9 तक तो जाएगा। और अगर आपको 10 को रिप्रेजेंट करना होगा ना, तो 10 के लिए यहाँ पे ए करते हैं, 11 के लिए बी एंड 12 के लिए सी, 13 के लिए डी एंड 14 के लिए ई एंड 15 के लिए एफ। अब देखो ये सब कलर हम लोग जो डालेंगे कैसे समझ में आएगा कि कौन सा कलर कैसा बनने वाला है, तो एक मैं रफ आइडिया आपको बतलाता हूँ कि जब कभी भी आप जीरो को करते हो ना, तो ये डार्क कलर होता है, यानी कि ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट करेगा। और जब 1 या 2 या 3 जैसे जैसे बढ़ते जाओगे ना, इसका जो डार्कनेस है वो रिड्यूस होते जाएगा, और आफ्टर ऑल जब आप एफ के ऊपर पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा वाइट कलर, राइट। तो ये जो कम्बिनेशन है ना, ये कम्बिनेशन आपको इसके साथ अरेंज करके बताना है, रेड ग्रीन ब्लू के साथ। तो अगर आप फर्स्ट प्लेस पे डालते हो तो रेड का डार्कनेस बताएगा, सेकेंड प्लेस पे ग्रीन का डार्कनेस बताएगा और थर्ड प्लेस पे ब्लू का बताएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे डालूँ कि मेरे को लिखना है कलर, एंड कलर कैसा रखना है, तो A83, राइट। तो यहाँ पे हैश भी देना पड़ेगा, तो हैश दे दिया। अब ए जो है यहाँ पे देखो कि कम डार्कनेस बताता है रेड का, फिर ये जो है 8 वाला वो है हमारा ग्रीन। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि जब हम लोग 0 पे लिखते थे तो बहुत डार्क था, 8 है वो मीडियम में है, ना तो ज़्यादा डार्क होगा और ना ही ज़्यादा लाइट कलर होगा, लेकिन 3 जो है वो ज़्यादा डार्क के पास है, तो यहाँ पे जो ब्लू कलर का इंटेंसिटी होगा ना वो डार्क होगा, और इन सारी चीज़ों को मिलाने के बाद जो कलर बनेगा ना वो फाइनल कलर हम लोग के स्किन पे दिखने वाला है। तो सपोज करो कि हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं VS Code के अंदर में, और यहाँ पे जो हम लोगों ने लिखा था ना फोरग्राउंड का कलर, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं हैश A83। अब देखो इसका जो कलर कम्बिनेशन बना ना वो इस तरह का कलर बना, राइट। और ये जो हम जैसे ही सेव करेंगे, यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं डाउन और यहाँ से सेव करते हैं, तो देखो इमीडिएटली हमारा जो प्रोग्राम का कलर था वो चेंज हो गया। वेरी गुड, तो आपको समझ में आ गया होगा। और VS Code के अंदर में हो तो आपको यहाँ पे सजेशंस भी मिलेगा, तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो कि अगर आपको थोड़ा सा इस तरह से अरेंज करना है तो आप यहाँ पे डाल दो और यहाँ से आपको RGB का कलर मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे देखो एक RGB प्रॉपर्टीज भी है, तो यहाँ पे हमको मिलेगा RGB, और RGB के अंदर में आप 3 वैल्यू डाल सकते हो, रेड ग्रीन और ब्लू का, और इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो यहाँ पे इफेक्ट मिलेगा। वेरी गुड, अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास RGB आया, उस RGB कलर को भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और समझते हैं। जो बात हम लोगों ने बोला यहाँ पे कि RGB और BB है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग 6 डिजिट का हेक्साडेसिमल कोड लिखें तो भी अलाउड है, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं सपोज AA4400। तो देखो आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, ऐसा नहीं कि ए है तो ए ही रिपीट करना है, हमने डाल दिया AB45 and 10। तो ये जो फर्स्ट दो नंबर होगा ना, ये दो नंबर रिप्रेजेंट करेगा इंटेंसिटी ऑफ रेड, उसके बाद में ये जो दो नंबर है वो इंटेंसिटी रिप्रेजेंट करेगा ग्रीन का, और उसके बाद का जो दो है वो रिप्रेजेंट करेगा किसका, तो ब्लू वाले का। तो देखो इसको भी हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं डायरेक्ट, इसको हटाते हैं और डायरेक्ट हम लोग करते हैं हैश एंड AA2345। देखो ये सब जो नंबर है ना वो थोड़ा डार्कनेस की तरह है, तो ये हम लोगों को थोड़ा सा डार्क कलर ही देगा। अगर आप चाहते हो कि हमें लाइट कलर रखना है तो आपको बड़ा नंबर देना पड़ेगा जो 15 और 16 के अप्रॉक्स होगा, तो BB हमने 99 डाल दिया एंड AC डाल दिया, राइट। तो देखो ये लाइट कलर बनेगा, इतना तो समझ में आ गया कि लाइट और डार्क बनेगा, और यहाँ से जा करके आप इसका कलर कम्बिनेशन वगैरह चेंज कर सकते हो, राइट। तो इस तरह से मुझे मिल जाएगा। अब जो RGB वाले हैं, RGB वाले में जो हम लोग को वैल्यू मिला था 3 वैल्यू, उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पे किया हमने RGB, और RGB के अंदर में 3 वैल्यू अलाउड है, राइट। तो 3 वैल्यू हमने डाल दिया, 100, 230 एंड देन 45, और देखो यहाँ पे हम लोग को कलर कम्बिनेशन मिल गया। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि यहाँ पे कौन कौन से वैल्यू परमिसिबल हैं, 230, 1500 क्या डाल सकते हैं यहाँ पे, तो देखो इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं और समझते हैं कि जो रेड और ग्रीन और ब्लू ये 3 वैल्यू हम लोग को सप्लाई करने हैं, और इसके लिए RGB। अब देखो यहाँ पे जो रेड है ना वो हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करता है,
और हेक्साडेसिमल के अंदर में हमारे पास 16 डिजिट अलाउड है। तो अगर आप रेट को रिप्रेजेंट करोगे ना, तो दो आर आर है तो 16 और 16 जाएगा। तो अब देखो 16 और 16 कहने का मतलब क्या हुआ कि आप इसका कॉम्बिनेशन बना रहे हो, तो टोटल कॉम्बिनेशन 16/16 का कितना बनेगा। तो यहाँ पे आप इजिली रिप्रेजेंट कर सकते हो कि हमारे पास 16 × 16 कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं। तो 16 × 16 कॉम्बिनेशन बनेगा तो टोटल कितना बनेगा, 256। अब जो 256 बनने वाला है उसका रेंज अगर निकालो आप, है ना, तो रेंज कितने से जाएगा, तो 0 से शुरू हो रहा है और 0 से लेकर के n 255 तक जाएगा। तो जो भी वैल्यू हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो 0 से लेकर के और 255 के बीच होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आप 255 अगर करते हो ना, तो ये बिल्कुल व्हाइट की तरफ जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर हमने डाल दिया फिर से 255, अब देखो बिल्कुल लाइट कलर बनेगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये केवल हमारा 0 है जो डार्कनेस की तरफ ले जाता है। तो यहाँ पे हमको लाइट कलर मिल गया, और अगर आप इसको 255 डाल दो तो ये बिल्कुल वाइट हो जाएगा, और अगर सभी में आप 00 डाल दो तो ब्लैक कलर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 00 डाल दिया तो ये हमको ब्लैक कलर देगा। वेरी गुड। सो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग कलर कॉम्बिनेशन डाल सकते हैं। एक तो हो गया हेक्साडेसिमल का यूज करके, और नहीं तो आप आरजीबी का यूज कर सकते हो। अब आरजीबी के साथ एक और ऑप्शन है कि आप इसकी ओपेसिटी कितनी रखनी चाहती हो। अब यहाँ पे जो ओपेसिटी, ओपेसिटी का मतलब कि आप इसको कितना ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हो, राइट। तो अगर आप इसकी ओपेसिटी कर लेते हो 0.5, यानी 50% की ओपेसिटी होनी चाहिए। तो देखो ये जो दिख रहा है ना, वो थोड़ा सा लाइट कलर हो गया, और अगर आप इसको 0 कर देते हो ना तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, ओपेसिटी ब्लैंक। और जो अगर हमने डाल दिया 1, इसका मतलब 100% हमको दिखना है। तो ये जो ओपेसिटी है वो 0 से लेकर के और 1 तक वेरी करेगा। अगर आपने लिखा है यहाँ पे 0.7, इसका मतलब 70% विजिबिलिटी आपको चाहिए इस टेक्स्ट की, राइट। तो ये एक बेनिफिट है आरजीबी के साथ, अगर आप यूज करते हो तो उसकी ओपेसिटी भी आप सेट कर सकते हो कि हमारे टेक्स्ट की ओपेसिटी कितनी होनी चाहिए। सो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इंटरनल सीएसएस कैसे बनाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।